हेलो गाइस, तो मैं भी प्ले करना चाह रहा हूँ 100% डुओ मैच। मैं भी उतरने वाला हूँ फैक्ट्री पर। मैं भी प्ले कर रहा हूँ एडम चचा के साथ, फिर तो मज़ा आया ना गेम पर। मैं एक ग्लिच के बारे में बताने वाला हूँ बाद में। अभी देखो ये पिक्चर स्क्रीन पर, ये हमारे लॉबी पर टॉप पे आया है देसी लवर। मैं इसे मार पाऊँगा क्या, देखता हूँ मैच में। अगर मिला तो मारने की ज़रूर कोशिश करेंगे। वैसे मैं 100% डुओ हूँ, इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 3 बंदे आए हैं फैक्ट्री पर, 2 टंकी पर है, 1 नीचे आया है। ये 100% डुओ है लगता है। दोस्तों आप देख सकते हो मैं एडम से प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उकोंग, काला, मोको और केली है। सो मैं एक बेसिकली ग्लिच का यूज़ कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे कब तक ग्लिच रहेगा, पर जब तक रहेगा मैं इसका भरपूर यूज़ करूँगा एडम के साथ प्ले करके और इनके एबिलिटी के साथ। मुझे अभी MP5 मिला बाउंटी से, पर इस पर एमओ ही नहीं है। एक बंदा नीचे आया, चलो मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ। ये भाग रहा है बंदा देख कर, बंदा देख रहा है, वो भी नीचे आया। चलो दोनों को मारने की कोशिश करेंगे। ये बंदा रश कर, चलो ये डाउन हो गया। मेरे पास एमओ ही नहीं है, पूरा ख़त्म। उसने ग्लोअल लगाया, फिस्ट का स्किन है उसके पास, हीरोइक पर है बंदा। चलो मज़ा आएगा मारने में, दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है और फिर मारने भी आ रहा है। चलो ख़त्म, ऐसा मत करना, दोस्ती है तो अच्छे से दोस्ती करो, वरना फाइट लो सीधा। पहले दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, फिर बंदे को हेडशॉट मारते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, आप मत करना। जो लॉयल है उसके साथ लॉयलिटी दिखा, वरना नहीं। एक बंदा नीचे है लगता है, मुझे फुश टेप आ रहा है उसका। देखता हूँ ऊपर क्या गन मिलता है। यहाँ पर SMG वो मिल जाए तो मज़ा आ जाए। मुझे G18 मिला, यहाँ पर हैंड कैनन पड़ा है, इसे उठा लेता हूँ। मेरे पर वो रश कर रहा है शॉट गन के साथ, एक गोली मारा और नहीं लगा मेरे को। एक मुझे हैंड कैनन से उसको मारना पड़ेगा, एक शॉट लगा उसको। मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, मुझे यहाँ पर K98 मिला, पर मैं इसे हैंड कैनन के साथ ही मारूँगा। देखता हूँ मार पाता हूँ कि नहीं। बंदा पीछे खड़ा है, ये फिर से आ रहा है और एक पड़ा, ये रश कर रहा है फिर से। चलो ख़त्म, बड़ी लॉल तरीके से मारा। इस पर तो एक लॉल इमोट बनता है, एडम चक्कर से पंगा नहीं, जो पंगा लेगा वो बर्बाद हो जाएगा। चलो यहाँ पर मैं मेडिकेट ढूंढता हूँ, मेडिकेट नहीं मिला तो मैं सीधा पोचिनॉक पर आ गया WM2 के साथ। एक बंदा आ रहा है ऊपर से, उसे 108 का पड़ा एक फटका। मेरे पास हेल्थ ही नहीं है, बहुत कम हेल्थ पड़ा है, 60 का हेल्थ है सिर्फ। इसे अभी भी रिवाइव का ही नीचे आ रहा है। चलो मैं इसे डाउन कर पाता हूँ कि नहीं लगता, नहीं नहीं लगा। चलो ये मोर लगता है नीचे आ जाएगा, नहीं लगा। मैं इसके ऊपर रश करता हूँ, बहुत ज़्यादा डैमेज है बंदा। चलो मेरे ऊपर एक रश कर रहा है, मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर एक लैंड माइन लगा देता हूँ। मेरे पास हेल्थ ही नहीं है तो थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा, मुझे नीचे की ओर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास हेल्थ ही नहीं है। बंदे के पास शॉट गन है, थोड़ा पीछे जाता हूँ फिर हील करके आऊँगा। 60 का हेल्थ है सिर्फ। एडम कैरेक्टर के साथ प्ले करने में जो मज़ा है और किसी कैरेक्टर पर नहीं है। चलो मैं यहाँ पर एक मेडिकेट मारता हूँ, फिर जाऊँगा सामने। बंदा बाहर आ जाए तो मज़ा आ जाए, फिर घर के अंदर ही है। चलो मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एक रश कर रहा है मेरे ऊपर, कोई तो रश कर रहा है। मुझे पैरों की आवाज़ आ रहा है, पैर का आवाज़ आ रहा है मेरे को। चलो मैं यहाँ पर एक ग्लोअल लगा लेता हूँ। इधर से एक लड़की आ रही है लगता है, मुझे थोड़ा पीछे की ओर जाना पड़ेगा। उसके पास शॉट गन होगा तो ख़त्म कर देगी, मेरे पास हेल्थ ही नहीं है। एडम कहते वरना बर्बाद हो जाओगी। दीदी है या दादा पता नहीं, तो बंदा मार रहा है, एक फटका लगा, उसे हेडशॉट ही मारूंगा मैं बॉडी शॉट से। चलो बॉडी शॉट से ख़त्म हो गया है। मुझे इसके पास से 2-3 ग्लोअल और 2 मेडिकेट मिला। चलो एक मेडिकेट लगा कर घर के ऊपर वाले लूट बॉक्स में देखता हूँ क्या मिलता है, फिर हम टिक जाएंगे। मेरे पास मेरा अभी किल हो गया है 6 और 19 बंदे अलाइव है। देखता हूँ और कितने किल होते हैं। अगर वो बंदा मिला देसी लवर, मारने में मज़ा आएगा, उसको मारने की ज़रूर कोशिश करूँगा मैं। चलो मैं अभी पिक पर जाता हूँ, देखता हूँ बंदे मिलते हैं कि नहीं। मुझे अभी जीप लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। चलो एडम चचा का बात ही कुछ और अलग है, वो भी WM2 के साथ में।
चलो मैं आ गया, ऊपर फाइट हो रहा है लगता है, जल्दी से जाना पड़ेगा ऊपर की ओर। आप लोग बताना कैसा लग रहा है ये सेटअप, अच्छा लगा तो मैं इसे ही यूज़ करूँगा। एक बंदा जा रहा है सामने को, दूसरा बंदा भी जा रहा है, मैं ग्लोर लगाता हूँ, दूसरे बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मार पाता हूँ कि नहीं। वो घर के अंदर चला गया, चलो मैं पहले वाले क्यों मारता हूँ। एक फटका पड़ा, दूसरा फटका नहीं लगा, गुलर लगा दिया, दूसरा बंदा सामने, चलो गुलर लगा दिया, ग्रेनेड नहीं है, उगंग बन के हेडशॉट लेने की कोशिश करता हूँ, मारा एक शॉट पड़ा, गुलर गुलर बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, अभी डैमेज है, चलो मैं इसके ऊपर रश करता हूँ, देखता हूँ मार पाता हूँ। हेल्थ बचा है और साइड में जाता हूँ मैं, हील करने की कोशिश करता हूँ। एक बंदा आ रहा है मॉन्स्टर ट्रक के साथ, उनको फाइट करने दो, भी मैं थोड़ा हील कर लेता हूँ। अरे मार दिया व्हीकल से, तो मैं एक मेडिकल लगा लिया, दूसरा भी लगा लेता हूँ। वो बंदा आया तो सामने, फिर मारने में मज़ा आएगा। 7 किल हो चुका है, 17 बंदे अलाइव है, वो बंदा जा रहा है सामने से, चलो मैं मारने की कोशिश करता हूँ। एक फटका पड़ा, दूसरा फटका नहीं पड़ा, तीसरा भी नहीं पड़ा, डबल डोर में चला गया। चलो ऊपर आया तो मज़ा आएगा, फिर आया चलो ख़त्म। इसी के साथ मेरे हो चुके हैं 8 किल और 15 बंदा अलाइव है। अगर वो देसी लवर मिला तो फिर मज़ा आएगा, नहीं देखता हूँ मिलता है कि नहीं। मुझे वेस्ट अपडेट करना पड़ेगा, चलो नीचे भी अपडेट कर लिया, फिर मुझे बंदे नहीं मिल रहे थे तो मैंने थोड़ा वीडियो कट कर लिया। अभी मेरे पास लेवल 4 का है वेस्ट और लेवल 5 का हेलमेट है। चलो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे फाइट हुआ है, ग्लोअल लगा है, देखता हूँ बंदे मिलते हैं कि नहीं, अगर मिला तो मज़ा आएगा फिर मारने में। मैं रश करता हूँ उनके ऊपर, देखता हूँ मार पाता हूँ कि नहीं। 2 बंदे हैं सामने की ओर, ये तो वही है ना लोबी वाला टॉप पर। चलो हेडशॉट लगा मस्त तरीके से, एक हेडशॉट पड़ा, दूसरे मारता हूँ नहीं लगा। गोंग बनना पड़ेगा, ये भी गोंग बन गया है, बाहर आया थम्सन से मारने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक शॉट लगा, बॉल बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, मुझे पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। ये बंदा डाउन पड़ा है, रश कर रहा है मेरे ऊपर, चलो मैं थोड़ा पता भी नहीं पड़ा। हीलर बहुत काम की चीज़ है, अब जरूर लेते ऐसे सिचुएशन में बहुत काम में आता है इन हीलर। चलो एक फिर से कैसा खड़ा है, देख सकते हो बंदा था लॉबी पर टॉप पे, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिकली कुछ चीज़ नहीं होता, आपके पास गेम प्ले अच्छा होना चाहिए, गन स्किन बंडल्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, आपका गेम प्ले मेन होता है, उसी को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बाकी इन सब को छोड़ दो, आलोक वगैरह इन सब से कुछ नहीं होता, आपका गेम प्ले ही मस्त होना चाहिए। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में।